ओ गॉड, डिलन सर ने ऐसे प्लान किया है, कैंडल्स, केक और अब घुटने के बल बैठकर लगता है वो मुझे प्रपोज करने जा रहे हैं। मैं अपना लेस बांधने के लिए नीचे बैठा था और तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया। अरे तेरे भी तो बच्चे हैं, वो सिर्फ उसके नहीं है। फिकर ना कर पुत्र, कल ही मैं तेरे पिन्नू मामा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। नो नो एंड नो, मुझे नहीं चाहिए किसी का गुड बैड या अगली आइडिया। ओके, इस बार प्यार में नो खेल एंड नो चाल, सीधे फेस टू फेस बात होगी। मिस्टर डिलन शेखावत, तैयार हो जाइए, ऐसा प्रपोजल मिलेगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ओ हेलो, ऐसे घूमने से क्या हो जाएगा? हाँ, अभी तो बहुत बोल रही थी कि डिलन शेखावत तैयार हो जाओ, ऐसा प्रपोजल आपने सोचा भी नहीं होगा। तूने कुछ सोचा है? नहीं सोचा ना? अरे एक्शन ले एक्शन। अरे एक्शन लेने के लिए तो ऐसे घूम घूम के सोच रही हूँ। तू है ना, मेरी बात सुन, मेरे पास ना एक बहुत सॉलिड आइडिया है, एकदम मस्त। सच? हाँ, इधर आ। तू है ना, इमेजिन कर कर ना, हाँ, कि तू और डिलन सर एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और वहां पे सुपर रोमांटिक सा गाना प्ले किया है, जैसे हाँ, बाहों में चले आओ। सब बस ये लेफ्ट ले लीजिए, बस सर यहीं पे रोक दीजिए। Are you sure, यहाँ पर? Yes sir. Okay. अब? आइए सर. Okay. जानी, ये सब क्या है? सर हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बहुत ही बैड आइडिया है बाय गॉड, एकदम फ्लॉप आइडिया। क्या भिन्नी दी, आपको भी बीच में ही बोलना था क्या? तेरे प्लान में 500 चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। अच्छा, जैसे? रिवाइंड कर, फिर से मैं बताती हूँ। सब बस ये लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट फ्रॉम हियर? What the hell is this? हो गया ना प्लान फोर्स? पॉइंट तो है। अच्छा, अगर इतना ही पॉइंट है तो आप ही क्यों नहीं बता देते? अपना कोई फूल प्रूफ प्लान है कोई? हाँ, एक प्लान है। डब्बू, इमेजिन कर, हमारी डब्बू ने बहुत ही बढ़िया सी साड़ी पहने
जाए। जी चाय तो हम बाद में पी लेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने हमें बुलाया क्यों है? हमने ये कहने के लिए बुलाया है कि क्या कहना था? ओ प्लीज, ये बहुत ही बोरिंग और ओल्ड फैशन आइडिया दी। ओल्ड फैशन है लेकिन फुल प्रूफ है। दी कैसे बोल सकते हो ये फुल प्रूफ है? आपने डब्बू दी को साड़ी पहना दी, हाथ में चाय की ट्रे पकड़ा दी, आपको पता आगे क्या होगा? क्या होगा? रिवाइंड करके देखो। ओह माय गॉड, इस तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये प्लान तो बिल्कुल फ्लॉप है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूंगी? दी, टेक्स्ट करो और पूछ लो, सिंपल। सिंपल? कोर्स। रुको, टेक्स्ट करो। इंपॉर्टेंट बात मैं टेक्स्ट मैसेज के ऊपर कैसे पूछ सकती हूँ? ये बहुत खराब आइडिया है। जी क्या खराब आइडिया है, ये फास्ट एज है, यहाँ पे नेट पे शादी हो जाती है, तो आप टेक्स्ट करके प्रपोज नहीं कर सकती? कम ऑन जी, टेक्स्ट करो, इट्स कूल। इट्स नॉट कूल, आई एम अ फूल, वेरी बिग वन, जो मैं तुम सबकी बातें सुन रही हूँ। यू नो तुम लोग हमेशा मुझे 10-10 आइडियाज देके कंफ्यूज करते हो। बड़े आए मेरी खिचड़ी पकाने वाले, तुम लोगों ने वो कहावत सुनी है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, और इस ब्रॉथ को सिर्फ मैं स्पॉइल करूंगी। I mean, इस ब्रॉथ को सिर्फ मैं कुक करूंगी, ओके? इसलिए तुम लोग मेरे पीछे मत आना। अरे डबू, डबू यार, डबू। अरे सुन तो, एक और आइडिया है, और एक आइडिया है। आज छुट्टी ले लो ना नानू, हम लोग वाटर पार्क जाएंगे। अरे सोनू बोनू, क्यों परेशान कर रहे हो नानू को? अरे सॉरी पापा, माँ भी ना सुबह सुबह सुंदरकांड पाठ के लिए चली गई, इसलिए ये दोनों बदमाश आपका दिमाग खा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा। चलो सोनू बोनू जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, स्कूल बस का टाइम भी हो रहा है ना। चलो 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 बेटा, नाश्ता नहीं जाना। सोनू स्कूल रोज जाना होता है ना? हाँ देखिए पापा। हाँ बिल्कुल बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, है ना? पर हमारा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। ये क्या बदतमीजी हो रही है, दोनों को मार खानी है क्या? हाय हाय, ये सुलूक हो रहा है मेरे खानदान के चिरागों के साथ? सुबह सुबह मारने की धमकी? मम्मी जी, पिन्नू मामा। अरे सोनू बोनू आओ बच्चा, आओ आओ आओ। दादी, मेरे बच्चे। पिन्नू मामा। मामा मामा ने विनोदिनी ठाकुर, मैं इस वक्त सिर्फ वकील की हैसियत से आया हूं। नोटिस लो, लो, लो। इसका क्या मतलब है? पापा जी, इतने बड़े जज हैं आप, लीगल नोटिस का मतलब नहीं समझते?
मुझे तलाक चाहिए और अपने दोनों बच्चे अपनी कस्टडी में। अरे मेरे बच्चों, दादी कितना प्यार करती है ना तुमसे, हाँ? यहाँ तो तुम दोनों को सिर्फ मार मिलती है, प्यार नहीं। चलो मेरे राज दुलार, चलो चलो। अरे नहीं, सोनू बोलो। बस 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 बहन जी, बस। वाह विक्की जी, इतने साल आपके साथ रहने का अच्छा सिला दिया है आपने। घर छोड़ के चली गई, बच्चों को मुझसे अलग कर दिया, इसे साथ निभाना कहती हो? विन्नी जी, आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से फ्लश आउट कर दिया। शायद आप भूल रहे हैं विक्की जी, छोड़कर तो आप मुझे गए थे डब्बू की सगाई जिस दिन टूटी थी, और उसके बाद मैं आपके घर जाने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, लेकिन मम्मी जी ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। बस मुझे अभी और कोई सफाई नहीं चाहिए, बस इतना पता है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। विक्की, माफी मांगने पहले आप आए थे, विन्नी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था, ऐसा कुछ करो जिससे वापस यकीन हो तुम पर। अरे वो तो छोड़ो, लीगल नोटिस लेकर तुम आ गए, सब के सामने कीचड़ उछालना चाहते हो? पापा जी, अब चाहे कीचड़ पड़े मेरे ऊपर या आप कूल बरसाएं, मैं बस इतना जानता हूँ जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में होगा और फैसला कोर्ट करेगा। मुझे मेरे बच्चे चाहिए हर कीमत में। नहीं विक्की जी, आपको मेरे बच्चों की कस्टडी कभी नहीं मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी यहाँ, तू कोई बड़ी मदर इंडिया हो गई क्या कि अकेले अपने बच्चों को संभालेगी? तू ना तो अच्छी बहू बन पाई, ना तो अच्छी बीबी, और अच्छी माँ बनने की तो बहुत दूर की बात है। एक बात कान खोलकर सुन ले बिन्नी, हम यहाँ हमारे खानदान के चिराग को लेने आए हैं, तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे विक्की के लिए कोई और अच्छी बहू ढूंढ के ला सकती हूँ, समझी ना? बस बस, अब एक शब्द मत बोलना। मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने बच्चों को आप लोग को कभी नहीं दूंगी, और विक्की जी, इन्हें अच्छे संस्कार की जरूरत है जो आप लोग में है ही नहीं, मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती। इन्हें अच्छी परवरिश की जरूरत है जो आप कभी दे ही नहीं सकते। मुझे बस इतना पता है कि जैसे हो मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन आपका बेमान साया इन दोनों बच्चों पे कभी नहीं पड़ेगा। बस करो। कोर्ट में फैसला करना चाहते हो ना? ठीक है, तब सीधे कोर्ट में मिलेंगे, लेकिन निकल जाओ इस वक्त मेरे घर से। आउट। चलो माँ। मैं चली जाइए। चलो माँ। मत रो बिन्नी, जब तक मैं हूं ना मैं तुझे कुछ होने दूंगा और ना ही सोनू बोनू को। चिंता मत कर, हम एक अच्छे डिवोर्स लॉयर को कंसल्ट करेंगे। मैंने पूरी लिस्ट चेक कर ली है, घर के सभी लोगों के कपड़े डिजाइन हो चुके हैं, तो फिर अब आपने किसके लिए बुलाया है? कौन बचा है? पंडित जी। पंडित जी, ये तो मैं पहली शादी देख रही हूँ जहाँ पंडित जी के भी कपड़े डिजाइन हो रहे हैं। वैसे शादी में पंडित जी, आप लोगों में तो गुरुद्वारे में शादी होती है, राइट जी? ये जड़ी मेहंदी है ना, इसको हर चीज ना बॉलीवुड स्टाइल में चाहिए, इसलिए हम गुरुद्वारे के बाद ना ये वाली शादी भी करेंगे। हम तो जी बस इसका हर शौक पूरा कर रहे हैं। कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? जी, ब्याह की तारीख इतनी नेड़े आ गई है, लेकिन कोई काम हो नहीं पाया पूरा। अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि मैंडी को शादी के बाद हनीमून पे भेजेंगे कहाँ। बस इतनी सी बात? अरे ये तो बहुत सिंपल है, पेरिस। पेरिस? हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है और सबसे ज्यादा रोमांटिक भी। मेरा तो बहुत मन करता है एक बार तो जाना है वहाँ। मैं तो गया हूँ जी। आप गए हैं? किसके साथ? मैं तो मेरा लैपटॉप, काम से गया था। तो आपको वहाँ जाके ऐसा नहीं लगा कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है? ओ ना जी ना,
मैनू तो ना मेरा फगवाड़ा सब तो बेस्ट लगता है। क्या? और की? उन देखो ना, खुला खुला आसमान, फूलों से सजे हुए खेत, सोनी सोनी सरदारनिया, ते गबरू जवान सरदार। राधे राधे। लो आ गए पंडित जी। बड़ा टाइम लगा था पंडित जी, आ जाओ आ जाओ। आओ जी नाप दे दो। लीजिए ना। पंडित जी डोले छोले ना दिखाओ, इन्हें पसंद नहीं है, उठ खाओगे। बच्चों को हंसता देख, मुस्कुराता देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटे थोड़ा हाथ बताओ अपना। राजपुत्र तुम भी अपना हाथ बताओ। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही आप दोनों की हाथ की रेखाएं बता रही। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नहीं। हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा संजोग है। शादी का समय भी आप लोगों ने बहुत अच्छा चुना है। वो पंडित जी ऐसा कोई गल नहीं है, व्याह हम दोनों का नहीं है, मेरी बहन का व्याह है। हाँ? ये तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, डिजाइनर है। नाप तो दे दो पंडित जी। हाँ हाँ लीजिए लीजिए। देवजानी अब तक आई क्यों नहीं? सौ साल जी होगी, मैं तुम्हें याद कर रहा था। ये बताओ तुम अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई? यस सर, आज मैंने छुट्टी ली है, यही बताने के लिए फोन किया था। तुमने छुट्टी ली है? नहीं नहीं तुम छुट्टी नहीं ले सकती, तुम इसी वक्त ऑफिस आ जाओ बस। क्यों सर? क्योंकि बोलिए ना सर। क्योंकि तुम ऑफिस नहीं आती हो ना तो मेरा काम में मन नहीं लगता है। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। That's really sweet, sir. And I'm sure कि ये बोलते हुए आप blush कर रहे होंगे ना? पता नहीं, यहाँ कोई mirror है नहीं तो अपने आप को देख नहीं सकता मैं। एक सच बात बताऊँ? ये छुट्टी मैंने आपके लिए ली है। मेरे लिए? हाँ, आप बस आज exactly 8 बजे मेरे घर आ जाइएगा। दिव्यानी सब ठीक तो है ना? Everything's okay? Okay से भी better sir. आप बस वक्त पे आ जाइएगा। ओके से भी बेटर योर हाइनेस। ठीक 8 बजे विदाउट डिले पहुंच जाऊंगा। और कुछ? सी यू सर, आई विल बी वेटिंग। ओके बाय। आज होगा एक स्पेशल इवेंट। यस पापा। बस बेटा बस, अगर तू स्ट्रांग नहीं होगी ना बेटा तो सोनू बोनू घबरा जाएंगे। मैं हूं ना। चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। आप इसी को रो रहे क्या हुआ पापा? बिन्नी से बात कर, मैं जरा ऑफिस फोन करके आता हूँ कि आज मैं नहीं आने वाला हूँ। जी पापा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा दी कि विक्की जीजा जी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। सब सोच के तो मेरा बिल्कुल खून खौल रहा है। ऐसे इंसान के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है डब्बू, वो कभी नहीं बदल सकते। जो इंसान अपने ससुर की जायदाद हड़पने के लिए इतनी बुरी चाल चल सकता हो, उसके लिए ये सब कौन सी बड़ी बात है? अरे डब्बू, तेरा सामान टूट गया क्या? अरे
रहने दो दी, सामान का क्या है? अरे लेकिन कुछ सामान इसके अंदर किसके लिए? कुछ नहीं दिया, ऐसे वो दिलन सर को फोन करके शाम का प्लान कैंसिल करती। कौन सा प्लान? क्यों कर रही है? मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं डब्बू। My God, इतने दिनों के बाद तो मेरे दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है सब कुछ। सच में डब्बू, अब मुझे उस आदमी के पास वापस नहीं जाना, वो कभी नहीं बदल सकते। अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी अपने दम पर, अपने बच्चों के साथ, और अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए मैं लड़ूंगी भी। और इन सब वजह से अगर मेरे परिवार की खुशियों में रुकावट आएगी तब तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर दी, पर कुछ नहीं डब्बू, प्लीज, तुझे मेरी कसम, मैंने कहा ना तुझे ये सब करना पड़ेगा, मुझे तेरी खुशियों में शामिल होना है। डब्बू प्लीज, तू अपना प्लान कैंसिल मत कर। सच में इतने दिनों बाद तुझे हिम्मत आई है, आज तो तू डिलन को प्रपोज कर ही दे।